हाय फ्रेंड्स, हमने आपको एक नया ऐप अपडेट दिया है। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें उसके बारे में ज़्यादातर मालूम नहीं है, तो उसका एक तरीका ये यूज़ करने का है कि जब आप मेरी ऐप खोलोगे, वहाँ मैसेज का ऑप्शन आती है, वहाँ पर एक लिस्ट खुलती है, उसको FAQ बोलते हैं। आप अगर आपके डॉग को कोई भगवान ना करे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, तो आप FAQ में जो लिस्ट खुलेगी उसमें आपको नॉर्मली डॉग खाना नहीं खा रहा, भगवान ना करे लूज मोशन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा प्रॉब्लम का हल ऑलरेडी वहाँ है। इसका फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि जो भगवान ना करे किसी का डॉग एमरजेंसी में हो, जो मस्ट नीडेड है, तो उसका ऑप्शन मैसेज सीधा मेरे पास आ जाता है। नहीं तो 90% आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनके रिलेटेड मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ होती हैं। तो ये FAQ हमने इसलिए चालू किया ताकि आप ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ही अपनी प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाए, आपको वेट ना करनी पड़े मेरी रिप्लाई की। तो फ्रेंड्स, आप नए ऐप को जरूर यूज़ कीजिए, अपलोड कीजिए, और ये FAQ फंक्शन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब प्लीज़ अपने डॉग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हमारी वीडियोस है उस लिस्ट में, आप चेक कीजिए, तो आपको अभी मेरी रिप्लाई की वेट नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने डॉग की प्रॉब्लम वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे एक साथ एक और गेस्ट हैं, अमेरिकन बुल्ली। क्या आपने ऐसा भी अमेरिकन बुली देखा है मेरे फ्रेंड? इसको आप स्टैंडर्ड अमेरिकन बुली कह सकते हो। ये ब्रीड बहुत कम होती है, रियल स्टैंडर्ड, और ये लगभग अराउंड 40-45 डेज का 7-8 kg बॉडी वेट है इसका। माय फ्रेंड, अमेरिकन बुली एक अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, आप घर में गार्ड डॉग रख सकते हो। पिटबुल की तरह लुक लाइट होने के कारण बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये पिटबुल है, बट नो, बुली, अमेरिकन बुली एक अलग चीज़ है। पिटबुल या अमेरिकन पिटबुल टारियर वो एक अलग कैटेगरी होती है। बिहेवियर में बहुत फ़र्क होता है इनके, बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क होता है इनके, और सबसे बात है कि पिटबुल जो बहुत हाइपर माने जाते हैं, फैमिली के लिए सेफ नहीं माने जाते, ये अमेरिकन बुली उसके बिल्कुल उलट हैं। ये काफ़ी काम, रिलायबल, अच्छी मस्कुलर बॉडी वेट इनका लगभग 30-40-50 तक चला जाता है, और अच्छे गार्ड डॉग, बच्चों के लिए सेफ हैं, बच्चों के साथ बहुत है। अगर आप का विलेज में कहीं घर रह रहे हो, पंजाब में तो काफ़ी इसका ब्रीड का भी चलन है, जो विलेज में फार्म हाउस में बड़े घरों में रहना रखे जाते हैं ये ब्रीड्स। तो आप अगर ऐसी ब्रीड आप ले रहे हो तो ज़रूर केयरफुल। इसकी कलर ज़्यादातर ब्लू कलर में मार्किंग है, लेकिन जैसा ये ब्राउन एंड वाइट में मार्किंग आ रही है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। तो आप अगर अच्छे इस अपकमिंग टाइम में अगर आप एक अच्छा गार्ड डॉग, आपका एक फैमिली फ्रेंड पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो अमेरिकन बुली पर ज़रूर आप थोड़ा सर्च कीजिए, और ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हाँ, आपको ये मैं नहीं कह सकता कि आपको ऐसा ही पॉपी मिले, लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रस्टेबल ब्रीडर के पास आपके लिंक हैं, तो वो आपको ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है अमेरिकन बुली, ये आपको दे सकते हैं। और ये लगभग, आई एम श्योर दैट ये एक लगभग लॉयन की तरह आपको लगेगा, शेर की तरह, बब्बर शेर टाइप ये डॉग है। तो आपको अगर शौकीन हो बड़ी लार्ज ब्रीडों के, तो 30-40-50 kg बॉडी वेट इतना बड़ा डॉग आप रखना पसंद करते हो, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं लार्ज ब्रीड रखना पसंद करते हैं, तो वो ऑब्वियसली सेंट बर्नार्ड ये ब्रीड की तरफ जाते हैं। उनमें थोड़ी दिक्कत आती है बालों की, स्पेशली समर टाइम में, गर्मियों में स्किन की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो अमेरिकन बुली में छोटे बाल होने के कारण तो ये स्किन की प्रॉब्लम भी इनको थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसका आप जल्दी से ढूंढ कर इलाज कर सकते हो। और बाल छोटे हैं ये थोड़ा बहुत डॉग, सर्दी भी में भी थोड़ा सा आपको इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, और ज़्यादा गर्मियों में भी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। अगर आप अच्छी कंपनी की डॉग फीड दे रहे हो माय फ्रेंड, टाइम टू टाइम सप्लीमेंट दे रहे हो, और एक मेरा निवेदन ये है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो उसको छोटे घर में रखते हैं, फ्लैट्स में रखते हैं, तो वो इसके लिए ठीक नहीं है। और स्लिपरी फ्लोर, मार्बल, टाइल, चिप्स, उनके जितना हो सके, जो बड़ी ब्रीडें होती हैं तो वो थोड़ा अवे रखिए तो ज़्यादा बेटर है, और अच्छी कंपनी का कैल्शियम या बॉडी गेनर तो ज़रूर देने चाहिए। तो माय फ्रेंड, आई होप ये थोड़ा सा इस ब्रीड के जो है स्टैंडर्ड साइज अमेरिकन बुली, फुल रिंकल्स जैसे आपको ले रहे भी, ये आपको एक झलक तो लगेगा कि ये ऐसे इंग्लिश बुलडॉग की तरह है, तो ये इंग्लिश बुलडॉग नहीं है माय फ्रेंड, ये स्टैंडर्ड साइज अमेरिकन बुली है, और ये आपको फेस से लग जाएगा, इट्स वेरी क्यूट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, एंड अगर आप बाकी में ब्रीड लेना चाहते हो ऐसी बड़ी,
तो ये ब्रीड आप ज़रूर इस पर ध्यान जाइए अपकमिंग टाइम पर. थैंक यू वॉचिंग माई फ्रेंड्स. ओके से बाय. और फ्रेंड्स एक मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ विदाउट योर हेल्प मैं आई एम नथिंग. तो मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो शेयर कीजिए. जो घर बैठे अपनी डॉग की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, तो अगर आप जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे तो वो भी घर बैठे अपने तरीके से अपने डॉग को बेटर तरीके से डॉग को मैनेज कर पाएंगे, उनको बेटर तरीके से खान पान और अच्छे तरीके से प्योर ब्रीड की भी जज कर पाओगे, क्योंकि मेरे टॉपिक हर एक सिंगल वीडियो टॉपिक्स पर हैं. तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में. अगर वो डॉग लवर नहीं भी हैं तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन अगर डॉग लवर हैं तो ज़रूर 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 शेयर कीजिए. और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप जितना हो सके मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से ही मेरे को एनर्जी मोटिवेशन आता है न्यू न्यू टॉपिक्स उठाने में, आपकी क्वेश्चन के आंसर देने में. तो प्लीज़ फ्रेंड्स आई नीड एनर्जी, आई नीड अ बूस्ट अप. तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को जरूर लाइक्स कीजिए, थम्स अप दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. आपके बहुत सारे फ्रेंड्स डॉग रखते हैं लेकिन नॉलेज बहुत कम है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इंडिया का कोई भी डॉगी कभी भी सिक ना हो. अच्छा खान पान रहेगा तो ऑटोमेटिकली बीमारियों से डॉग को कम बीमारियाँ लगेंगी. तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी और वीडियोज़ नहीं देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन वाला बटन है वो ज़रूर 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 प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो वीडियोज़ आता है आपको सेम टाइम नोटिफिकेशन जाए.